हमारे मराठी में मन है कि आई वडील म्हटल्यानंतर उन पे शंका करने की ज़रूरत नहीं है, और वही उनको मैंने हमेशा कहा है कि इनका कहने इनके शब्द से आगे मैं नहीं हूँ। और आज उसी तरीके से मैंने युवा स्वाभिमान पक्ष का रिज़ाइन किया, मेरा रिज़ाइन पत्र सौंपा। तो मैं पहले तो अमरावती करम के तरफ से इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी उनका दिल से धन्यवाद करूँगी, क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने लोगों की आँखों में मोदी जी के लिए जो प्रेम देखा है और उनकी आँखों में वो जो आज सपना मैंने देखा कि इस क्षेत्र की मैं बहू हूँ और बहू घर की लक्ष्मी होती है, और उनको हमेशा से आस थी कि लक्ष्मी के हाथ में कमल होना चाहिए, और उसी तरीके से आज उनकी आशा जो थी उनका सपना था। क्योंकि बैलेट में जब से लोकसभा शुरू हुई है, पार्लियामेंट शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक हमारे अमरावती में कभी भी बैलेट पे कमल का सिंबल नहीं आया, और इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने ये विश्वास देकर कि पहली बार अमरावती जिले में कमल का सिंबल भी बैलेट पे आएगा और कमल ये अमरावती में खिलेगा और उसके माध्यम से मेरी अमरावती करों का विकास होगा।